चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लेजिबल मास। ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो मास इनका जीरो है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो मास m, ये भी m, लेकिन ये जो बीच वाला मास है रूट टू एम है, 1.414 टाइम्स ज्यादा है इससे। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो रूट टू इंटू एम इंटू जी के बराबर नीचे लगेगा इस ब्लॉक पे, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ लगाएगा। अच्छा यहां पर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं। तो थ्रेड में टेंशन अगर मैं टी डैश यहां कंसिडर कर लूं तो टी डैश इज इक्वल टू इस ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा, यानी रूट टू एम जी के बराबर होगा अगर इसे रेस्ट में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है तो। ठीक है, अब इस थ्रेड में टेंशन टी डैश कंसिडर कर लो, सॉरी इसमें तो टी डैश इधर कंसिडर कर लिया ना, तो इसको टी कंसिडर कर लो, इसको टी कंसिडर कर लिया और इसको भी टी कंसिडर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसका जो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और इसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा टी कॉस थीटा इधर से और इसका भी टी कॉस थीटा इधर से होगा। तो ऊपर अगर मैं एफबीडी इस पी पॉइंट का बनाऊं तो नीचे लग रहा है फोर्स, ये क्योंकि टी डैश दोनों तरफ लगता है ना, टी डैश नीचे भी लगेगा ऊपर भी लगेगा। नीचे कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है इस पी पॉइंट पे, तो ब्लॉक लगा रहा है इस पी पॉइंट पे टी डैश नीचे की तरफ, और ये जो इस थ्रेड के थ्रू ये ब्लॉक लगा रहे हैं टी, और इधर से भी ये ब्लॉक एम मास का लगा रहा है टी। तो इन दोनों का जो को रिजॉल्व करने पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा आया और टी कॉस थीटा आया, ये दोनों फोर्स मिलके इस टी डैश को बैलेंस कर रहे हैं और टी डैश की वैल्यू कितनी इतनी। तो इट मींस टी डैश इज इक्वल टू टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, इन दोनों का सम टी डैश के इक्वल होगा, तभी ये रेस्ट पे रह सकता है पी पॉइंट जो यहां पर है पी पॉइंट। ठीक है, तो टी डैश इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा होगा और टी डैश की वैल्यू कितनी है, रूट टू एम जी, रूट टू एम इंटू जी के इक्वल है टू इंटू। अच्छा यहां पर mg लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी mg लग रहा है, तो अगर ये t है तो इधर भी t लगेगा, यहां भी t होगा। अच्छा t की डायरेक्शन दोनों तरफ होगी, ध्यान रखना, इधर ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक, चलो एक मिनट होल्ड करो। हाँ, इधर भी ऊपर की तरफ भी t लगेगा, नीचे की तरफ भी t लगेगा, इधर भी, इधर भी। अच्छा नीचे की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो ब्लॉक लगा रहा है पुली पे, जो ऊपर की तरफ जो टेंशन है टी यानी फोर्स है वो पुली लगा रहा है ब्लॉक पे, दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, कौन किधर लगा रहा है। अच्छा तो ये जो अगर इसका एफबीडी बनाते हैं इस एम ब्लॉक का, तो एम जी नीचे की तरफ टी ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है एम मास के और रेस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है टी इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा। इधर से भी, इधर से भी आप ये कह सकते हो टी इज इक्वल टू एम जी, तो टी की वैल्यू एम जी के इक्वल है, तो यहां पर टी की वैल्यू एम जी लिख देते हैं, टी एम जी और कॉस थीटा, mg से mg कट जाएगा, 2 इधर जाएगा, cos theta is equal to root 2 by 2 आएगा, इसको आप root 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, root 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा upon 2 root 2, 2 से 2 कटा, यानी cos theta की वैल्यू आ गई 1 by root 2, 1 by root 2 किसके इक्वल होता है, cos 45, तो theta is equal to 45 के इक्वल हो गया, 45, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।